देखिए, निश्चित रूप से उठना चाहिए, और कल स्पीकर साहब ने जिस इमरजेंसी का जिक्र किया था वो यही तो थी, और क्या था, यही तो थी, वो घोषित थी। आपने घोषित इमरजेंसी भी लगा रखी है, मुख्यमंत्री जेल में, और आप सीबीआई बोल रही है कि साहब उन्होंने ये बयान दिया, अब कोर्ट में ही वो बात साबित हो रही है कि नहीं कहा है। तो ये हालात जो देश के अंदर बने, देश के अंदर यही तो इमरजेंसी थी जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई अपनी बात कर रहा है तो उसको बात रखने का अधिकार होना चाहिए। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हमारे अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। हमारे अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधानों का संरक्षण करें। हमारे हाउस के अंदर स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब को निष्पक्ष होकर के सबके जो अधिकार हैं, जो संविधान ने अधिकार दिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। सर, इसके अलावा सैम पिट्रोडा ने रिजाइन कर दिया था, अब वो वापस अपने पद पर आ गए, इस पर आपका क्या? नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है। देखिए, इसमें वो सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने आदमी हैं। सैम पिट्रोडा साहब को आप एक बयान के लिए तो आप कह रहे हो, पता नहीं, वो बयान भी नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन सैम पिट्रोडा साहब का जो योगदान देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने के अंदर है, उसके बारे में नहीं आप बात करेगा कोई भी क्या? ये टेलीफोन हाथ हाथ में लिए फिर रहा हो, ये सब ब्लूप्रिंट सैम पिट्रोडा की तो है। इसके अलावा सर, इमरजेंसी का भी कल सारा दिन जिक्र हुआ, स्पीकर से लेकर तमाम सांसदों ने बयान दिए, इस पर आपका क्या? मैं वही तो बता रहा हूँ, ये केजरीवाल जी जेल में क्या इमरजेंसी नहीं हो रही है कि मुख्यमंत्री को आप एक फर्जी मामले को अंदर उठा करके बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते हो? इसके अलावा ये है कि अमर्त्या सेन ये कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 के जो रिजल्ट हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया नॉट हिंदू राष्ट्र। ये तो वो जाने, उनका उनका सवाल है, ये बीजेपी का एजेंडा है, मुझे इस पे बात ही नहीं करनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।